वेलकम टू माई चैनल वायरल बॉलीवुड लॉलीवुड। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक की कल डिलीवरी थी, लेकिन वो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी, अपने और अपने बच्चों के कपड़े रख चुकी थी और होने वाले बच्चों के। तो कृतिका मलिक ने बताया कि लेकर जा रहे थे, उनको लेकर गए लेकिन वापस लाना पड़ा, क्योंकि हमने अपने पंडित से पूछा कि क्या बेहतर रहेगा आज इनका ऑपरेशन, क्योंकि इनके नॉर्मल नहीं होंगे, पायल मलिक के ऑपरेशन से होंगे। तो पंडित ने बताया कि नहीं, बेहतर नहीं रहेगा आज ऑपरेशन, क्योंकि सूरज ग्रहण का मसला है और वो सूरज ग्रहण पूरा हो जाए वरना ये है कि होने वाले बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं इसके। तो सूरज ग्रहण मुकम्मल हो जाए तो कल का दिन रख लें ऑपरेशन का, तो यानी आज चांद रात है, तो चांद रात को ये जाएंगी ऑपरेशन के लिए, एडमिट होंगी तो इनका सी सेक्शन होगा और नॉर्मल नहीं है इनका, तो जाहिर है। और दो दो बच्चे ये ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो ट्विंस बेबी इनके आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आज जाएंगी पायल मलिक को हॉस्पिटल एडमिट होने और आज इनका ऑपरेशन है, फिर उसके बाद कोई नई अपडेट आती है तो फिर बताते हैं, क्योंकि आज चांद रात है और उन्होंने कहा कि ये दिन इनका मुबारक रहेगा और चांद रात को एडमिट हो जाएंगी और ईद वाले दिन की डिलीवरी होगी, और जो कि ऑपरेशन वगैरह से होगी और इनका नॉर्मल नहीं होगा। तो ये है कि देखते हैं कोई नई अपडेट आती है तो उसके बाद हम आपको बताते हैं, क्योंकि कल ये हॉस्पिटल गई थी तो इनको वापस आना पड़ा, कुछ मसाइल थे तो इसकी वजह से इनको वापस आना पड़ा। तो अब ये फिर जाने की तैयारी कर रही हैं, तो अब ये रात में चांद रात को आज निकल जाएंगे, एडमिट हो जाएंगी पायल मलिक और कल ईद के दिन इनकी डिलीवरी होगी। तो दुआ करते हैं कि खैर खैरियत से इनके बच्चे दुनिया में आए और सारी खुशियां इन लोगों को नसीब हों, और माशाल्लाह से इनके चार चार बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि एक पहले से पायल मलिक का बेटा है चीकू और दूसरा जो है अरमान मलिक की वाइफ कृतिका मलिक है, उनका भी रमज़ान में बेटा हुआ जैद मलिक, जो कि अभी 8-10 दिन का हो गया है। तो अब जो है पायल मलिक जो है वो ट्विंस बेबी आने वाले हैं इनके, तो इनके ट्विंस बेबी आ जाएंगे तो ये चार बच्चे हो जाएंगे, इनके घर में बड़ी रौनक हो जाएगी, सब लोग बड़े खुश हैं। और कुछ थोड़ा बहुत पायल मलिक घबरा भी रही हैं, ज़ाहिर उनको घबराहट हो रही है, लेकिन उनको तसल्ली दे रहे हैं और कृतिका मलिक भी उनको समझा रही हैं कि कुछ नहीं होगा, बस ये है कि हम भी दुआ करते हैं कि पायल मलिक के बच्चे खैर खैरियत से दुनिया में आ जाएं और इनको बहुत सारी खुशियां देखना नसीब हों। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।